हिमोपैरासाइट डिजीज है। मलेरिया के लक्षण, हमें तेज बुखार आना, ठंड के साथ बुखार आना, बिजली आना, उल्टी आना, कभी कभी डिसेंट्री की भी शिकायत हमें होती है। मलेरिया से बचने के लिए मुख्यतः हमें, अगर हम कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कूलर के पानी को निरंतर बदलना है। आसपास जमे हुए, अगर हमारे आसपास पानी जमा हुआ है तो उस पानी को रासायनिक दवाओं के छिड़काव करना है और मच्छरदानी का निरंतर प्रयोग करना है। डेंगू और मलेरिया में मुख्यतः विशेष अंतर ये है कि डेंगू का जो बुखार होता है बहुत ही तेज होता है और निरंतर बना रहता है, और जो मलेरिया का बुखार होता है वो ठंड के साथ सुबह और शाम को आता है। मलेरिया के इलाज टेस्ट के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं किस गाइड की तरफ करना है। आमतौर पे मलेरिया दो टाइप के इंडिया में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। टेस्ट के बाद अगर TLC और प्लेटलेट की रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो हम उसे प्रिस्क्रिप्ट देकर घर भेज देते हैं, और अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल रहती है तो उस पेशेंट को एडमिट करते हैं।